नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। समय समय पर हमारे भारत भूमि में महान ऋषि मुनियों का अवतरण होता रहा है। ऐसे ही एक महान ऋषि स्वामी रामतीर्थ थे। आइए जानते हैं स्वामी रामतीर्थ के जीवन परिचय के बारे में। स्वामी रामतीर्थ का जन्म 22 अक्टूबर 1873 को मुरली गुजरांवाला ग्राम में पंडित हीरानंद के यहाँ हुआ था। उनका परिवार अत्यंत निर्धन था। रामतीर्थ का प्रारंभिक नाम तीर्थराम था। प्रारंभिक शिक्षा के समय उन्होंने उर्दू, फारसी तथा संस्कृत का अध्ययन किया। बीए परीक्षा में वे पंजाब भर में प्रथम आए। अध्यात्म की ओर झुकाव होने से उन्होंने आईसीएम में बैठने से इनकार कर दिया। 1889 में उन्हें हिमालय से लगाव हो गया और वे वहां की यात्रा के लिए निकल पड़े। फादर स्कॉट को अपने ज्ञान से चकित कर देने वाले दूसरे विवेकानंद स्वामी रामतीर्थ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अध्यात्म की ओर झुके। युवावस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया और 1901 में वे स्वामी रामतीर्थ के नाम से विख्यात हुए। 1902 में उन्होंने जापान की यात्रा की और अपने अद्भुत उपदेशों से वहां के लोगों को मुग्ध कर दिया। अमेरिका में भी उन्होंने भारतीय अध्यात्म की ज्योति जलाई। वे 2 वर्ष तक वहां रहे। इस दौरान हजारों व्यक्तियों को प्रभावित किया। अमेरिका से भारत आते समय स्वामी रामतीर्थ कुछ दिन मिश्र में भी रुके। मिश्र में उन्होंने एक मस्जिद में फारसी में उपदेश देकर काफी ख्याति प्राप्त की। वहां उनका बहुत सम्मान किया गया। स्वामी रामतीर्थ जीवन पर्यंत व्यक्ति और राष्ट्र दोनों की आत्मनिर्भरता पर बल देते रहे। उनका जीवन दर्शन सदा युवकों को राह दिखाता रहेगा। 17 अक्टूबर 1906 को दीपावली के दिन वे ब्रह्मलीन हो गए। ओजस्वी व्यक्तित्व के मालिक रामतीर्थ ने अनेक पुस्तकें भी लिखीं। वे मस्ती के प्रतीक थे। उन्होंने शायरी भी की है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।